Hi guys, this is Vaishali Nisa from the Global Blogster. So today we are making white sauce pasta. So let's start. So हम एक वेसल लेंगे, उसमें एक चम्मच नमक डालेंगे, उसके बाद हमारे कच्चे पास्ता डालेंगे और हाफ अ टी स्पून ऑयल डालेंगे, बिकॉज हमें ये भी श्योर रखना है कि वो एक दूसरे से चिपके ना. सो ऑयल इम्पॉर्टेंट है और सॉल्ट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि उसमें कुछ फ्लेवर आ जाए. सो 5 मिनट बॉईल हो जाने के बाद हम इस तरह उसे चेक कर लेंगे कि पास्ता अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं. हमें ये ध्यान रखना है कि पास्ता एकदम भी कुक नहीं करना है, उसे 80% ही कुक करना है. 80% कुक हो जाने के बाद हम एक छन्नी लेंगे, उसमें हम सारा पास्ता डालेंगे और पानी निकाल लेंगे और ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे उसका कैरी ओवर कुकिंग बंद करने के लिए. वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब हम ये वेजिटेबल्स थोड़ा बटर में सॉटे कर लेंगे. मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न लिया है, कैरेट लिया है एंड कैप्सिकम लिया है. आप चाहे तो ब्रोकली और ऑनियन भी डाल सकते हैं. सो व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून सॉल्टेड बटर, उसमें 2 बड़े चम्मच मैदा डालेंगे और उसे अच्छे से मिला के लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे. अच्छे से सेकने के बाद और लाइट ब्राउन कलर हो जाने के बाद हम एक बड़ा कप ठंडा दूध लेंगे और उसमें मिक्स कर लेंगे और उसको स्टर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें लम्स ना रह जाए. इसीलिए अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश क्रीम या तो मलाई, आप कुछ भी यूज कर सकते हो. गैस को स्लो कर दीजिए, उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए जब तक सब लम्स निकल ना जाए. वो बहुत इम्पोर्टेंट है. क्रीमी टेक्सचर आने के बाद उसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे और 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स डालेंगे. ये सब अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें हम सॉटे किए हुए वेजिटेबल्स डाल लेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. आप देख सकते हो कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आया है. गैस को स्लो ही रहने दीजिए बिकॉज वो नीचे से चिटक सकता है और उसे अच्छे से मिक्स करते रहना है. मिक्स करने के बाद हम पास्ता डाल लेंगे और उसे फिर से मिक्स कर लेंगे. पाँच से 10 मिनट कुक हो जाने के बाद फ्लेम बंद कर दीजिए और उसके ऊपर चीज़ ग्रेट कर दीजिए. चीज़ आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं, वो आपके पसंद के अनुसार. उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसे हॉट सर्व कर लीजिए. और हमारा क्रीमी चीज़ी व्हाइट सॉस पास्ता रेडी है. गार्निशिंग करने के लिए मैंने ऊपर से बेजिल लीव्स डाले हैं जो कि पास्ता का फ्लेवर और भी एनहांस करेगा.